की ठंड के बीच बिहार में सियासत का पारा हाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार शायद ऐसे पहले नेता होंगे जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से बार बार इस्तीफा दे देते हैं। यानी नीतीश कुमार तो अपनी कुर्सी पर बरकरार रहते हैं, लेकिन उनके लेफ्ट राइट यानी कि गठबंधन वाली पार्टियां बदलती रहती हैं। कभी वे बीजेपी के गठबंधन में आ जाते हैं, तो कभी उसकी धुर विरोधी कांग्रेस के गठबंधन में, तो कभी आरजेडी के गठबंधन में। तभी तो इस बार भी आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश ने जैसे ही बीजेपी से हाथ मिलाया, बिहार में जगह जगह पोस्टर लग गए, नीतीश सबके हैं, सब पर 20 नीतीश। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार का यह चौथा यू टर्न होगा। अगस्त 2022 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था और 2 साल से भी कम वक्त में वो दोबारा एनडीए में जुड़ गए हैं। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। नीतीश कुमार न सिर्फ सबसे लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि अब तक सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी उन्होंने ही ली है। मार्च 2000 में नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद तो ये सिलसिला सा चल निकला। 22 नवंबर 2005 में नीतीश कुमार ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 26 नवंबर 2010, 22 फरवरी 2015, 27 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 9 अगस्त 2022 और अब 2024। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार किसी भी पार्टी से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए लालू यादव ने इनका नाम पलटू राम रख दिया है। लालू यादव ने एक बार संसद में नीतीश कुमार के लिए ये भी कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है। जो वहां चलेगा, पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। नीतीश कुमार के पलटने के इसी हुनर पर साल 2017 में लालू यादव ने ट्विटर पर लिखा था कि नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुल छोड़ता है और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है। किसी को शक, साल 2014 से फरवरी 2015 के बीच का समय छोड़ दिया जाए तो नवंबर 2005 से अब तक नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने कितनी बार पलटी मारी है। पहली बार साल 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया तो इससे नाराज होकर नीतीश ने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया और उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2014 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की हार के बाद नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। दूसरी बार 2015 का चुनाव नीतीश ने आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा और महागठबंधन की सरकार बनी। लेकिन 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद नीतीश ने 26 जुलाई 2017 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और गठबंधन भी तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि 2022 में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अनबन फिर शुरू हो गई। ये अनबन इतनी बड़ी कि 9 अगस्त 2022 को उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। यहां तक कि नीतीश ने ये तक कह दिया कि वो मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ दोबारा सरकार नहीं बनाएंगे। लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। इसके बाद तीसरी बार पलटी मारते हुए उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार की आरजेडी से तनातनी शुरू हो गई और आखिरकार नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए और चौथी बार यू टर्न मारते हुए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। इस बार एक और जहां नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लोगों की राय सुनी, तो दूसरी तरफ विपक्ष के भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। बिहार में सियासी घमासान पर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार सिद्धांतहीन राजनीति का पाप कैसे कर सकते हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि वे अब कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने लिखा कि उसके साथ रहना बेकार है, जिसकी विचारधारा गिरगिट कुमार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि देश में आया राम गया राम, जैसे कई लोग हैं।
खैर लोग कुछ भी कहें, नीतीश कुमार को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनकी निगाह हमेशा कुर्सी की ही ओर रहती है और कुर्सी के लिए नीतीश कुमार कुछ भी करेंगे।